चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करना अब, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नोट करना अब। बिल्कुल बेसिक वाले न्यूमेरिकल जो थे वो करवा दिए। अब ये ट्राई करना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं कौन निकालता है। देखो इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज सीसीपी इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज सीसीपी एरे ऑफ ऑक्साइडेंस एंड एटम्स विद एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाइड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस एंड एन फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल होल्स या टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयंस। कैलकुलेट एम एन, एम और एन की वैल्यू क्या होगी, करो ट्राई। हिट एंड ट्रायल से होगा थोड़ा सा।
किया किसी ने ट्राई? अच्छा हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? दक्ष। दक्ष निकाला इसका आंसर? चिराग, लक्ष्य। पर्यंत। चलो देखो इधर, देखो यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल, चिराग 0.33, 0.25। देखते हैं चिराग। यस सर। हाँ देखते हैं अभी। देखो यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल है सीसीपी एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस। सीसीपी एरे ऑफ ऑक्साइड आयंस यानी ऑक्साइड आयंस तो एक तरह से मैं मानता हूँ कि फोर है। ऑक्साइड आयंस क्या मानता हूँ मैं? फोर। विद एम फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय एल्यूमिनियम आयंस एंड एन फ्रैक्शन ऑफ टेटल वॉइड्स ऑक्यूपाइड बाय Mg2+ आयंस। ये इसने बोल दिया यहाँ पे और एम और एन की वैल्यू निकालनी है। हीट एंड ट्रायल से लेगा क्वेश्चन ये। देखते हैं इधर। देखो मैंने फॉर्मूला मान लिया एम जी एक्स ए एल वाई और ओ हो गया फोर एक यूनिट सेल के अंदर। कोई डाउट किसी को? सर 1/2, 1/8 है। किसने निकाला ये? कुणाल। यस सर। हाँ कुणाल बिल्कुल सही है। देखो सर अब यहाँ पे बस सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है तुम्हें। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल कर दो। पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया 2x, इधर इधर कितना हो जाएगा Al पे 3+ होता है प्लस 3y। 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 8। आया समझ के नहीं है? O पे चार्ज होता है -2 तो क्या आ जाएगा 8। नहीं समझ आया ये? इसमें किसी को कोई डाउट? तो x क्या आएगा? x 1 और y 2, तभी तो 8 बनेगा ये। तो फॉर्मूला आ गया MgAl2O4, वही आ गया ना स्पाइनल स्ट्रक्चर। नहीं समझ आया? MgAl2O4 आ जाएगा यहाँ से। हाँ सर, समझ। अब उसके बाद तो फ्रैक्शन निकालना है, सही ना? ऑक्टेल वॉइड की फ्रैक्शन कितनी है? M, और वो कौन ऑक्यूपाई रहा है? एल्यूमिनियम। 1/2। ऑक्साइड आयंस, ऑक्साइड आयंस चार थे, ऑक्टेल वॉइड चार होंगे, टेट्रल वॉइड कितने होंगे? 8। ऑक्टेल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितने हैं? 2। तो आंसर आ गया 2/4 ऑक्टेल वर्ड्स का रेशियो। और टेट्रल वर्ड्स कौन ऑक्यूपाई कर रहा है? मैग्नीशियम। कितने हैं? 1। और वर्ड्स कितने हैं? 8। तो 1/8। नहीं समझ आया? आंसर आ गया हाफ और 1/8। हाँ सर आ गया समझ। ये होने चाहिए क्वेश्चन खुद। चलो नेक्स्ट नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे. एटम्स ए जो हैं, ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन. एटम्स ए कॉर्नर पे हैं, बी फेस सेंटर पे है, सी बॉडी सेंटर पे है और डी है एज सेंटर पे. डी कहाँ है? एज सेंटर पे. फॉर्मूला पहले निकाल लेना, तो ये फॉर्मूला तो हर कोई निकाल लेगा. फाइन फॉर्मूला बोर्ड लेवल पे सिर्फ इतना. अब आगे जो है वो नोट करेंगे. इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द इफ ऑल एटम्स टचिंग वन ऑफ द टू फोल्ड वन ऑफ द टू फोल्ड थ्री फोल्ड एंड फोर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री of symmetry are removed. Are removed. Then calculate formula. Then calculate formula. निकालो इसमें. सर अभी फिजिक्स की क्लास है. कितने बजे है? सर 4 बजे. मतलब मैं बात कर लेता हूँ. हाँ, निकाला किसी ने आंसर? A3B8D10 सेकंड वाले का. अभी देखो, अभी देखो और ट्राई करो. और मेन आंसर क्या है सर? पहले वाले का है हमारे पास A B3C D3. चलो देख लेते हैं एक बार.
अगर मैं सिंपल आंसर पूछूं तुमसे कि क्या आंसर आया इसका, तो उसको निकालना तो इजी है। देखो सर, ए है कॉर्नर पे, तो ए 1/8 × 8, बी 1/2 × 6, सी 1 बॉडी सेंटर पे क्योंकि, और डी 1/4 × 12। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, यानी ए बी 3 सी डी 3, यही ना आंसर? ए बी 3 सी डी 3, समझ गए कि नहीं है? यस सर। चलो नेक्स्ट देखना, जो अब नेक्स्ट वाला पार्ट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ही कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं मैं। देखो अब किसने बोला, इफ ऑल द एटम्स टचिंग वन ऑफ द टू फोल्ड एक्सिस, वन ऑफ द टू फोल्ड एक्सिस, टू फोल्ड एक्सिस यानी ऐसी एक्सिस जिसके अराउंड अगर मैं रूम को घुमाऊं तो सेम रूम कितनी बार आए, दो बार आए, तो वो कौन सी होती है? जब हम ऑपोजिट एजेस को ज्वाइन करेंगे, जब हम ऑपोजिट एजेस को, ये कोई भी एक टू फोल्ड एक्सिस, यही होगी कि नहीं? सेंटर सेंटर ज्वाइन करती है दो एजेस, ये वाली एज और एक ये वाली एज, तो यानी इससे क्या गायब हो जाएगा, एक बॉडी सेंटर और दो एजेस, यही गायब हो जाएगा कि नहीं? एक बॉडी सेंटर खत्म और दो एजेस खत्म, कोई डाउट? और फिर है वन ऑफ द टू फोल्ड एक्सिस था, वन ऑफ द थ्री फोल्ड एक्सिस, थ्री फोल्ड एक्सिस यानी ऑपोजिट कॉर्नर्स को, अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूं ऑपोजिट कॉर्नर्स को, तो इसमें दो कॉर्नर गायब हो जाएंगे और एक बॉडी सेंटर गायब हो जाएगा, तो दो कॉर्नर गायब, दो कॉर्नर गायब हो जाएंगे। उसके बाद है वन ऑफ द फोर फोल्ड एक्सिस, फोर फोल्ड एक्सिस यानी ऑपोजिट फेसेस को ज्वाइन कर दें, ऑपोजिट फेसेस, तो इससे क्या हट जाएगा, दो फेसेस और एक बॉडी सेंटर, दो फेसेस और एक बॉडी सेंटर, तो दो फोर्सेस गायब हो जाएंगे। तो फॉर्मूला जो बचा हुआ वो लगा दो, बॉडी सेंटर वाला तो रहेगा नहीं, यानी सी तो रहेगा नहीं, सी क्योंकि कहां है, बॉडी सेंटर पे, तो फॉर्मूला आएगा ए 1/8 × 6, और बी कहां पे था, फेस सेंटर पे 1/2 × 4, सी तो हटी गई है, और डी, डी कितना आ जाएगा, 1/4 × 10, कोई डाउट? ए 3/4, बी 2, ए 3/4, बी 2, और डी 5/2, तो आंसर आ गया ए 3, डी ए 3, बी 8, और डी आएगा 2/10। एक बार चेक करना ये आंसर आ रहा क्या, किसी का आया आंसर ये, ए 3 बी 8 सी 10, वंश का? यस सर, बहुत अच्छा वंश, बाकियों को समझ आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, जिसने पीछे का पढ़ा हुआ है, बोर्ड में नहीं आएगा क्वेश्चन, बोर्ड में इतना पढ़ा सकता है सिर्फ ये, जिसने पीछे का पढ़ा हुआ है उसको समझ आ जाएगा, डायड एक्सिस, ट्राइड एक्सिस, टेट्राड एक्सिस, सब डिटेल में पढ़ाया हुआ है, नेक्स्ट नोट करेंगे क्वेश्चन, ये ट्राई करेंगे अब। वही सेम चीज है, ए कॉर्नर पे है, बी फेस सेंटर पे है, सी बॉडी सेंटर पे है, और डी एच सेंटर पे, डी एच सेंटर पे है क्यूब के अंदर। If atoms touching one of the rectangular planes of symmetry, if atoms touching one of the rectangular planes of symmetry, one of the rectangular planes of symmetry, and one of the fourfold axes of symmetry, and one of the fourfold axis of symmetry,
सर ये सेकंड लाइन में वन ऑफ द के बाद क्या है? रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन्स ऑफ सिमेट्री एंड वन ऑफ द फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री आर रिमूव्ड, आर रिमूव्ड, कैलकुलेट फॉर्मूला, थोड़ा सोच समझ के निकालना आंसर, पॉसिबिलिटीज चेक करके। वंश बिल्कुल सही है,
हाँ निकाल लिया सबने आंसर इसका, देखो उधर। देखो ये ले लिया इसमें, अब इसमें जो रेक्टेंगुलर प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन से हटाए हैं, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लेन, कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन है, मान लिया मैंने ये, रेक्टेंगुलर प्लेन मान लिया बिल्कुल सेंटर में, रेक्टेंगुलर प्लेन से हटाए हैं एटम्स, कोई भी एटम जो टच कर रहा है रेक्टेंगुलर प्लेन को, यानी हमें हमें इसमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है इसके अंदर, चार फेसेस दिख रहे हैं, चार फेस के सेंटर हट जाएगा और चार एजेस का सेंटर हट जाएगा, चार फेस सेंटर रिमूव होगा और चार एज सेंटर, कोई डाउट किसी को, ये रिमूव हो जाएगा और बॉडी सेंटर तो रिमूव होना ही होना है, कोई डाउट इसमें किसी को, और साथ में एक है फोर फोल्ड एक्सिस। अब वो फोर फोल्ड एक्सिस, उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक बार मान लिया वो फोर फोल्ड एक्सिस जो है कोइंसाइड कर रही है इस रेक्टेंगुलर प्लेन के साथ, जैसे ये कोइंसाइड कर रही है, तब तो यही रिमूव होगा जो मैंने लिखा है, तब तो यही रिमूव होगा। अब बचा हुआ पार्ट क्या है, बचा हुआ पार्ट क्या है, ए 1/8 × 8, बी, बी क्या था, फेस के सेंटर पे, चार फेस सेंटर रिमूव हो गए तो बी 1/2 × 2, सी बॉडी सेंटर था वो तो रिमूव हो चुका है, और डी, डी कितना हो जाए, एज का सेंटर, एज का सेंटर क्या आएगा, 1/4 × 4 एजेस रिमूव हो चुके हैं, चार एजेस रिमूव हो चुके हैं तो 1/4 × 8, तो फॉर्मूला आ गया ए बी डी 2। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इन केस इफ फोर फोल्ड एक्सिस इज कोइंसाइडिंग विद द रेक्टेंगुलर प्लेन, अगर ये परपेंडिकुलर है, पहला केस ये था जब कोइंसाइड कर रहा है, दूसरा केस जब ये परपेंडिकुलर, सपोज परपेंडिकुलर आ रहा है, सपोज ये परपेंडिकुलर आ रहा है किसके, रेक्टेंगुलर प्लेन के, मैं हटा रहा हूँ यहां से फोर फोल्ड एक्सिस, ये हटा दिया मैंने, और अब माना मैंने इसको ये परपेंडिकुलर आ रहा है इस तरीके से, ये ऐसे परपेंडिकुलर आ रही है, जब इसके ये परपेंडिकुलर आएगी, जब ये परपेंडिकुलर आएगी तो उस केस में फेसेस सारे गायब हो जाएंगे, चार फेस पहले गायब हो रहे थे, एक फेस यहां से भी गायब और यहां सेंटर भी गायब, तो इसलिए फेसेस सारे हट जाएंगे और आंसर सीधा आ जाएगा ए 1/8 × 8, फेस भी हट गया, बॉडी का सेंटर भी हट गया, तो डी 1/4 × 8, यानी ए डी 2 आंसर आ जाएगा। वंश के अलावा किसी और का सही हुआ ये, वंश के अलावा किसी और का सही हुआ कि नहीं, वंश के अलावा किसी और का सही हुआ कि नहीं है, हाँ सर बोलो, बोल चिराग, सर ये स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब नहीं है ये हाँ सर। क्यों है तो क्या रेक्टेंगुलर के हुआ, लिए ऐसे नहीं करेंगे कि दो डायगनल एजेस को मिलाएंगे। तेरे अकॉर्डिंग इसको स्क्वायर प्लेन बोलना चाहिए, हाँ, और सर दो डायगनल एजेस को अगर मिला दे तो बनेगा एक रेक्टेंगल। अच्छा तूने वो लिया डायगोनल प्लेन, पता ये क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर ना ये चिराग, इसको रेक्टेंगुलर प्लेन ही बोलते हैं, और दूसरा जो तू कह रहा है ना उसको डायगोनल प्लेन स्पेशली मेंशन करेंगे, डायगोनल प्लेन, तूने मतलब बहुत अच्छा वैसे सोचा अगर है, लेकिन देखा जाए, अगर वो से प्लेन देखा जाए वो तो रेक्टेंगल होगा ना, वरना ये तो स्क्वायर होना बिल्कुल चाहिए। तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हाँ बिल्कुल यही होना चाहिए, लेकिन वो ये चिराग उसको मेंशन करते हैं डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, सही ना, उसको मेंशन करेंगे डायगोनल प्लेन है वो, इसमें करेक्शन कर ही लेना तुम, स्क्वायर प्लेन ऑफ है ना, एटम्स टचिंग वन ऑफ द स्क्वायर प्लेन ऑफ सिमेट्री, हालांकि इसको बोला रेक्टेंगुलर भी जाता है लेकिन कैसे भी ले सकते हैं इसको, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं चिराग,
यस सर, ये तो फिर, लेकिन फिर स्क्वायर भी तो कई सारे हो सकते थे ना। स्क्वायर कैसे लेगा, सिमेट्री वाला स्क्वायर, सिमेट्री वाला। सर हाँ हाँ सर, फिर वो तीन रेक्टेंगल तीन होंगे ना सर, स्क्वायर रेक्टेंगल। प्लेन ऑफ सिमेट्री। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अब नोट करना है, ये न्यूमेरिकल से मैंने करवा दिया इसमें काफी, जितना कराया इससे तुम्हें लकी क्वेश्चंस तो हो जाएंगे, अब अटकेंगे नहीं क्वेश्चन का पे। रेडियस रेशियो रूल्स वगैरह सब पढ़े हुए ना? रेडियस रेशियो रूल्स सबने पढ़े हुए ना? नहीं याद किसी को भी? चिराग होगा रेडियस। हाँ, रेडियस रेशियो रूल्स अगर नहीं याद है फिर समझ नहीं आएगा, क्योंकि रेडियस रेशियो रूल्स का यूज होगा आगे जाकर, सही ना? रेडियस रेशियो रूल्स क्या बताए थे मैंने, 0 से 0.155 है तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट लीनियर, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, और एग्जांपल तो कोई भी ले सकते हैं जैसे HFHCl। और अगर रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 है तो प्लेनर ट्रायंगुलर आएगा, 3 आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और एग्जांपल B2O3, यही लिखवाई मैंने एग्जांपल, फिर 0.225 से 0.414 तभी आ जाएगा टेट्राहेड्रल, एग्जांपल ZnS और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और 0.414 से 0.732 तो ऑक्टेहेड्रल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 और NaCl का स्ट्रक्चर, और 0.732 से 1 है तो BCC, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और एग्जांपल CHCl। ये सब मैं यूज करूंगा इसके अंदर, सही ना? सब मैं यूज करूंगा इसके अंदर, तो ये तुम्हें आना चाहिए ढंग से, सही ना? अब नोट करना आगे एक बार, अब जो स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमें, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, क्लियर? क्या स्टडी करेंगे? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर एक है AB टाइप के स्ट्रक्चर्स, और दूसरा है AB2 और A2B टाइप स्ट्रक्चर्स। AB टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं और AB2 और A2B टाइप के स्ट्रक्चर, तो इंपॉर्टेंट कौन से हैं AB, हालांकि इसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल पेपर में, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से हैं? AB टाइप के स्ट्रक्चर, AB टाइप के स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में। AB टाइप के स्ट्रक्चर्स, AB टाइप के स्ट्रक्चर्स में आ जाता है हमारे पास तीन पढ़ने में डिटेल में, जैसे NaCl का स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। NaCl का स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं इसको? रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। दूसरा है ZnS स्ट्रक्चर, ZnS स्ट्रक्चर जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर जो कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक होगा स्पेलराइड, ZnS फॉर्मूला है, लेकिन इसमें फॉर्मूला नोट्स आती हैं 4, यानी आएगा Zn4S4 फॉर्म का, Zn4S4 फॉर्म का, और दूसरा इसका है पार्ट वुड्साइट, वुड्साइट जो जिसके अंदर जो एनायंस होते हैं वो HCP के अंदर होते हैं। एनायंस क्या होते हैं? HCP के अंदर। इसमें एनायंस कहाँ पे थे? S2- कहाँ था? CCP में। इसमें S2- CCP में था, HCP के अंदर वुड्साइट के अंदर जो एनायंस होंगे वो HCP के अंदर होंगे। वुड्साइट में जो एनायंस होंगे कहाँ पे होंगे? HCP के अंदर। कोई डाउट यहाँ था किसी को? यानी सॉल्व करोगे तो इसके जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 4, और इसके जेड की वैल्यू आएगी 6। जेड की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 6, ये आ जाएगी। और AB2 टाइप स्ट्रक्चर और A2B टाइप स्ट्रक्चर, है ना? AB2 टाइप स्ट्रक्चर और AB2 और A2B टाइप स्ट्रक्चर। AB2 टाइप में फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2, फ्लोराइड स्ट्रक्चर CaF2 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कैटायन मेन पैकिंग करेगा, Ca2+ करेगा मेन पैकिंग, ये हमारा कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे हो, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, और जो एनायंस F- है ये ऑक्यूपाई करेंगे ऑल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स F- जो है ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करेंगे, और A2B यानी एग्जांपल लेंगे Na2O, एग्जांपल लेंगे Na2O, और ये क्या ऑक्यूपाई करेगा? ये ऑक्यूपाई करेगा इसमें ऑक्साइड आयंस ही, ये स्पेशल केस था जिसके अंदर एनायन मेन पैकिंग कर रहे थे, ये मेन स्ट्रक्चर था जिसमें एनायन मेन कैटायन मेन पैकिंग कर रहे थे C2+, अदरवाइज कैटायन हमेशा छोटे होते हैं, मेन पैकिंग नहीं करते, वॉइड्स में आते हैं, इस केस में कैटायन मेन पैकिंग कर रहे हैं, ये इसको इसलिए हम बोलते हैं
एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इसका फ्लोराइड है तो इसका क्या हो जाएगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्लियर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जिसमें Na2O आया और मेन पैकिंग जो है ऑक्साइड ही करेगा, ऑक्साइडेंस कहां पे आएंगे, ये ऑक्साइडेंस सीसीपी में आएंगे और कैटायन ऑक्यूपाई करेंगे ऑल टेट्रल वॉइड्स, और कैटायंस क्या ऑक्यूपाई करेंगे ऑल टेट्रल वॉइड्स, क्लियर हो गया था कि नहीं? तो मेन पैकिंग बाय मेन पैकिंग एनायन ही कर रहे हैं, हमेशा मेन पैकिंग एनायन करते हैं, हमेशा मेन पैकिंग कौन करेगा एनायन, सही ना, मेन पैकिंग इज ऑलवेज डन बाय एनायंस, बस ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर मेन पैकिंग नहीं कर रहे हैं एनायंस, अदरवाइज एनायंस ही मेन पैकिंग करते हैं। और क्वाड्रेंट नंबर इसमें कितना आएगा, क्वाड्रेंट नंबर इसके अंदर कितना आएगा, किसी को पता हो? इसका आएगा 8 is to 4 का, कोई डाउट तो नहीं है, और इसका आएगा 4 is to 8 का, जो भी सॉल्व करूंगा मैं पूरा डिटेल बताऊंगा तो समझ आ जाएगा, 8 is to 4, 4 is to 8, अभी याद कर लो उसको, 8 is to 4 आएगा Ca2+ का और Ca F2 का जो कि फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, और एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो है एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर उसका आएगा 4 is to 8 का, उसका आएगा 4 is to 8, समझ गया कि नहीं है? कोई डाउट किसी को? चलो फिर अभी स्टार्ट करते हैं आगे, अभी इसी स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना है, ये तीन स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर और ZnS जिंक ब्लेंडेड स्ट्रक्चर जिसका डायमंड स्ट्रक्चर भी आता है, जिंक हटा दो सल्फर हटा दो कार्बन लगा दो तो डायमंड स्ट्रक्चर